लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी, अदालत ने आपकी पूजा सामग्री और दिया जलाने की अर्जी मंजूर कर ली। कुकासुर को प्यारी है, हमें नहीं? ऐसा किसने कहा? ये तो सरासर अन्याय है सत्यादेवी। जब भी कोई मंदिर में आता है पूजा करने, वो बाहर निकाल देता है। जैसे मंदिर उसके बाप का है और माता देवी सिर्फ उसकी है। मंदिर सबका है और माता भी सबकी है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं वो खून खराबे पे उतर आते हैं। कल से ऐसा नहीं होगा। कल से आप सब मेरे साथ मंदिर चलेंगे। माँ की भक्त सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पति, मेरे भाई और मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन सत्या देवी, वो आपको भी? डरो नहीं भैया, कल से आप सब मंदिर चलेंगे मेरे परिवार के साथ। माता सबको प्यारी है और माता को सब प्यारे हैं।
माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं। कलयुग में जन्म लेने वाले हर प्राणी देवी देवता और राक्षस की कुंडली ले गए हैं। दुर्भाग्य से तुम्हारी कुंडली में राक्षस वृत्ति है। जय माता दी। तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हें तीन अक्षरों से आरंभ होने वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना होगा, और वो अक्षर हैं अ, र और स। और सह। तुम और तुम्हारी दौलत पर पले हुए लोग जब भी इन पर वार करेंगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। र और स यानी सत्यादेवी, वो औरत? वो औरत नहीं, देवी का रूप है। उसकी कुंडली में त्रिमूर्ति का निशान है जो तुम्हारे लिए विनाश का कारण हो सकता है। पंडित जी, इसका समाधान? कुका, वो तो तुम्हारे अपने कर्म है, मैं तो केवल पंडित हूं। कुंडली पढ़ सकता हूं, कुंडली बदल नहीं सकता। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये मंदिर मेरे बाप का है, कुका सिंह का है, समझे? इस मंदिर को नया बनाने में मेरे बाप ने 1,500,000 रुपए खर्च किया है। चलो, बाबा के पूजा का समय हो गया है, चलो चलो यहां से, जल्दी चलो चलो। भिखारी कह के? हम भिखारी नहीं है, काम वाले, मेरी मां के भक्त है। जुबान बहुत चढ़ गई है बुड्ढे, चल बुढ़िया चल। कहना अपने बाप से, जहाँ 1,500,000 रुपए खर्च करके ईंटें और पत्थर लगाए ना उसने, वहाँ
इन गरीब लोगों की माँ रहती है माँ। उस माँ या उसके बच्चों को मिलने से रोका ना तो इन्हीं पत्थरों के नीचे कब्र बना दूंगी तेरी और तेरे पाप की। तेरी ये हिम्मत इंस्पेक्टर? हिम्मत देखनी है में जगह है तुम लोगों की। कह देना अपने बाप से हमारे कितने आदमी मारे गए। औरत बहुत खतरनाक है सरकार। बच्चा पेट में है और तुम दिन रात पुलिस ड्यूटी में लगी रहती हो। पूछती हो क्यों? तो क्या हुआ? मुझे अपना छोटा कृष्ण कन्हैया सही सलामत चाहिए। त्रिमूर्ति बनानी है मुझे। मालूम है त्रिमूर्ति बनाने का बड़ा शौक है आपको। अरे क्यों ना हो, जिसके तीन बेटे हो, तुम्हारी जैसी पत्नी हो तो राजा तो हो ही गए ना हम। मैं बनाऊंगी आपकी त्रिमूर्ति, देवी माँ सब ठीक कर देगी। देवी माँ तब सब ठीक करेगी जब तुम अपना गुस्सा कम करोगी। 2 महीने हुए नहीं यहाँ आए हुए और कूका जैसा दुश्मन बना लिया तुमने। पुलिस के दुश्मन वही पैदा होते हैं जहाँ राक्षसों का राज चलता है। कूका जैसे ढोंगी राक्षस को तो खत्म करना ही चाहिए। क्या हमारे जंगल गेट पे गोलाबारी? क्या कहा, कूका सिंह का बेटा हमारे पुलिस वालों को मार रहा है? नहीं नहीं, मैं ये रिपोर्ट मैडम को नहीं दे सकता। आप शहर के पुलिस स्टेशन को फोन करिए कि कूका के आदमियों ने हमारे जंगल गेट पे धावा बोल दिया है।
अरे पुलिस वाली, अपने बेटे राणा की चिता जला कर आ रहा हूं मैं। तो सुन, वो तेरे दो पिल्ले है ना, बचा ले उनको, लगा ले पुलिस का पहरा। और दो क्यों, वो तीसरा तेरी कोख में पल रहा है ना। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चों का नाम लिया तूने, कहां से बोल रहा है तू? अपनी हवेली से। तू आती है या मैं आऊं? मैं आ रही अभी, इसी वक्त। अपने क्रोध को थूक दे बहना, वो बहुत जालिम लोग हैं। और ना भूल कि तेरे पेट में बच्चा है। अंधेरा तो तुम्हारे जिंदगी में हर दिन के बाद आएगा शक्ति, इसी अंधेरे के साथ तो तुम्हें लड़ना है। तुम मेरी बात मानो माँ, तुम मत जाओ। आंसू कमजोरों के जेवर होते हैं शक्ति। माँ अगर वो लोग तुम्हें मार देंगे तो? जिन पुलिस वालों की मौत होती है उनके बच्चे कैसे जीते हैं? हाँ, उसी तरह तुम्हें जीना होगा बहादुर बनकर। देखो आनंद, अगर हालात के गुलाम बनोगे ना तो दुनिया तुम्हें कुत्ता समझकर लात मारेगी, लेकिन अगर हालात को अपना गुलाम बनाओगे ना तो दुनिया तुम्हें शेर समझकर सलाम करेगी। याद रहे, इस दुनिया में हर इंसान को खुद लड़ना पड़ता है, खुद हारना और खुद ही जीतना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हो सकता है मैं वापस ना आऊं, लेकिन याद रखना, तुम मेरी और पापा की वो मूर्तियां हो जिन्हें जिंदगी के हर तूफान के साथ लड़ना होगा। एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देना, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए। समझ गए ना? तेरे सामने क्या कहा था तूने? मेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देगा? हां कहा था। मेरी दुनिया उजाड़ देगा? कहा था। उजाड़ मेरी दुनिया? अगर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं किए ना तो मेरा भी नाम। जय माता दी, अब तेरा विनाश होगा सत्या। पुलिस, जय माता जी। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं आज आपको यहां नहीं बुलाता तो आपको मेरी लाश देखनी पड़ती। इंस्पेक्टर सत्या देवी, तुम्हारी धमकी के 3 रिपोर्ट खोखा सिंह ने पुलिस स्टेशन में लिखवाए हैं, और डीसी साहब भी आ रहे हैं।
इसलिए बेहतर है कि तुम अपना पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर शर्मा, मैं इसे मारने नहीं गिरफ्तार करने आई थी कि फोन पर मुझे धमकी दे रहा था। ये बात तुम डीसी साहब को बताना। फिलहाल ये पिस्तौल मुझे चाहिए। प्लीज थ्रो इट, लाओ मुझे दो, लाओ प्लीज थ्रो इट। मैं कहता हूँ कानून को अपने हाथ में पकड़ो, पिस्तौल दो मुझे, लाओ। वो लोग आ रहे हैं सरदार। जय माता दी। मैं पागल कुत्ता हूं, मैंने तेरे पति को मारा, मैं तेरे दोनों बच्चों को भी खत्म कर दूंगा, तेरे पेट में बच्चा है उसे भी मार दूंगा। है तुझ में शक्ति मुझे खत्म करने की, तो मारो गोली मुझे, ये लो इसे पिस्तौल से मुझे मारो, मारो तुम, मारो या ना मारो, मैं तेरे पेट के बच्चे का जन्म नहीं होने दूंगा। कमिश्नर साहब जल्दी चलिए जल्दी, औरत बहुत ही खतरनाक हो गई है, खतरनाक हो गई है, पागल हो गई है, पागल। आइए 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 आइए, अपने आंखों से देखिए कि औरत पागल होकर सबको मार डालना चाहती है। नहीं सर, पर हैव यू गॉन मैड? आप जानती हैं आपने क्या किया है? जय माता दी, जय माता दी। देखिए सरकार, ये तो देवी माँ का प्रताप है कि मैंने कवच पहन रखा है, इसलिए मैं बच गया। लेकिन इसने ये तीनों पुलिस अफसरों जो मुझे बचाने आए थे, इसी पिस्तौल से मार दिया है, और अब इसी पिस्तौल से मुझे मारना चाहती है सरकार। कुका, सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने खुद देखा है इस पिस्तौल से इसने मुझे गोली मार दी है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी माँ मरे सरकार, मैं देवी माँ की कसम खाता हूँ। ये औरत आपकी घमंड में पागल हो गई है सरकार। पुलिस वाली है या राक्षसनी? सर सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। He is a fraud, sir. He is giving you a lie. He is not lying. हमने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उस पर गोली चलाई। पिस्तौल लाओ। इंस्पेक्टर अरेस्ट कर और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दो। कम से कम हमें इतला तो की होती, तुमने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम किया, अपने घर को बर्बाद किया, तुमने पति तो अपना खो दिया, अब बच्चों को भी खो दोगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, यह आदमी तुमको बर्बाद कर देगा। तुमने अपने आप को खत्म कर दिया है, अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया। कुका, कुत्ते, तूने मेरे पति को मारा, तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। आप कानून को जरूरत से ज्यादा अपने हाथ में ले रही हैं। यू आर अंडर अरेस्ट सत्यादेवी। आश्चर्य की बात है, भृगु महाराज जी लिखते हैं कि उस देवी के पेट से तीन पुत्र होंगे जो त्रिमूर्ति बनकर तुम्हारा विनाश। सत्यानाश मेरा नहीं पंडित जी, उसका हुआ है। तनिक ठहरो, आज की तिथि में उसकी त्रिमूर्ति संपूर्ण होती है। क्या? सुंदर और फूल सा बच्चा दिया है माता ने तुझे। इसे आनंद और शक्ति के पास ले जाना और उन्हें कहना कि उनकी मां मर गई। क्या कह रही है तू? हाँ भैया, मैं नहीं चाहती कि उनके संघर्ष में किसी बदले की आग हो। उनका संघर्ष खुद को बनाने और इस भाई को पालने में होना चाहिए। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारी मां का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूं।
समझ लो कि शहीद हो गई तुम्हारी माँ। मगर जाने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटा भाई दी गई है और कह गई है कि शक्ति और आनंद से कहना कि वो इस बब्बा को पालेंगे और बड़ा करेंगे और मेरे और बाबा के उस सपने को पूरा करेंगे जिसमें हमने तुम तीनों को एक त्रिमूर्ति के रूप में देखा। हम अपने माँ के सपने को पूरा करेंगे मामा, हम पालेंगे इस बब्बा को की शक्ति। हाँ बबुआ के लालन पालन में जुट गए हैं, बिल्कुल माता पिता का रूप ले लिया है शक्ति और आनंद ने। कुका सेठ बोलो। पीटर,
तुम्हारे यहाँ जो नया लड़का काम करता है वो हमारे दुश्मन की औलाद है। तो उसे खत्म करने के लिए तुम्हारे खाते में 50,000 रुपया जमा कर दिया है, समझ गए डार्लिंग? हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। बरखुरदार, तुम्हारी मौत का पैगाम आया है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे 50,000 मिलेंगे। अगर जिंदा रहोगे 50,00,000 मिलेंगे। वो कैसे? शक्कर से बंधन हूँ पर काम में सिकंदर हूँ। होना लड़का हो, दुनिया बदल दूंगा तुम्हारी। मेरी? हाँ तुम्हारी। I like brave boy. I like brave man. My great son. My great father. त्रिमूर्ति की एक मूरत को बंबई के स्मगलर पीटर ने खत्म कर दिया। अब कहिए पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है विधाता करता है। क्या मालूम वो बच्चा मर गया है या बच गया है। अनंत घर छोड़ के चला गया मैं। देखा तूने, जब से तूने अपने भाई को साइकिल खरीद के दी है वो मास्टर जी की लड़की को घुमाने ले जाता है। भगवा, भगवा इधर आओ। भगवा। बड़ा रंगीला है अपना रोमी। ये क्या है? मैंने बटन लगाया तो फिर से खोल दिया। भगवान, पैसे नहीं मिलेंगे। शक्ति पूछ रहा था कि मामा, ये हर साल आप राखी बनवाने कहाँ जाते हैं? हमने कहा कि हमारे गांव की एक मुंह बोली बहना है, तो कहने लगा उसको हमारे पास क्यों नहीं लाती। तो फिर क्या कहा आपने? अरे कहते क्या, हम तो झूठ बोल बोल के आदी हो गए सत्या। तीनों साथ तो है ना? हाँ, कितनी बार तुमसे कहा है, तीनों साथ ही साथ हैं। अब तो दाढ़ी मूछ भी निकल आई है। वैसे आनंद जो है ना, वो ज्यादातर परदेश रहता है, बिजनेस करता है ना, तो आता जाता रहता है। मगर रोमी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुका है और कल परसों आ जाएगा। और शक्ति, अरे शक्ति तो शक्ति है, बहुत नाम है उसका फौज में, और उसका मिजाज भी फौजी बन गया है। इतना बड़ा फौजी ट्रक चलाता है ना, बारूद और बंदूक की जो फैक्ट्री होती है वहां काम करता है। फैक्ट्री को मां कहते हो, जब मिटने वाली है तो छोड़ के भाग रहे हो। बस शक्ति, रुक जा, 5 मिनट में पड़ जाएगा, रुक जा। अरे बाहर खड़ा है, डर गया? लाला मुझे दे, मैं जाता हूँ। चल मेरे बच्चों, बता दे बम कहाँ है, वरना देश का बड़ा नुकसान होगा। अरे टाइम क्यों वेस्ट करो, ये निकल गया आगे, ये ढूंढ लेंगे। अब शक्ति नहीं बचेगा, बम फटने ही वाला होगा। आ, मिल गया बम, मिल गया भाइयों, बम मिल गया। आप अरे रोज सवेरे उठकर जय हिंद के नारे लगाते हो,
और जब टाइम आया तो क्या हुआ, डर गए? मैं ले जाता हूँ, लो। रास्ता खराब है, मंदिर पाने के लिए कच्चे रास्ते से जाएं। अरे वाह, ये क्या भाई? मंजिल। नौकरी दिलाना है, उससे शादी कराना है, फिर उसके बच्चों को पालना है, फिर उसके बच्चों के बच्चों को पालना है, उसके बाद में जब तुम सब जानते हो तो फिर क्यों क्यों जिनके छोटे भाई होते हैं वो क्या शादी नहीं करते? करते हैं, क्यों नहीं करते, करते हैं। मगर तू जानती है कि रोमी 3 दिन के बाद आ रहा है कॉलेज की पढ़ाई करके, उसके लिए कितनी सारी चीजें खरीदनी है, उसका बिस्तर भी छुआ खा गया है, साबुन लेना है, टूथब्रश लिया है, बाकी और क्या क्या चीजें, बस क्या करूं समझ में नहीं आता। रोमी 3 दिन के बाद आ रहा है? 3 दिन के बाद नहीं, आज ही आ रहा है। क्या मतलब? वो देखो भैया,
तकलीफों से जो दूर हो वो हम हैं, जिसके सर पर आपका हाथ हो उसे क्या गम है। यानी गालिब साहब आज तक जिंदा है? गालिब न मरा था, न मरा है, न मरेगा, क्योंकि आशिक का बच्चा न सुधरा है न सुधरेगा। तो मेरे आशिक के बच्चे, भूल जा उसे, पहरे लगे तेरे महबूब के घर, उस घर के जूते पड़े, उससे पहले तू डूब मर। नहीं भैया नहीं, वो जूते नहीं वो हार है, वो पहरे नहीं वो प्यार है। घबराना मत राधा, हम पास करेंगे हर इम्तिहान, क्योंकि अब आ गया है तेरा रोमी तूफान। अरे कोई है? कहां मर गए सबके सब? मैनेजर, मैनेजर, ओए मैनेजर! साले साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं आपके उस फार्म का मैनेजर हूं, उस फार्म का, यहां इस घर में तो मैं आपका बहन बहनो ही हूं। माफ करना भाई, भूल जाते हैं हम कभी कभी। बंद करो ये खिड़की दरवाजे, देख नहीं रहे तूफान आ रहा कितनी जोर से? मालिक, मैं तो राधा बेटी को समझाने के लिए गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। वो वहाँ खिड़की खोले तूफान के सामने खड़ी है। क्या, जान की बहन कहाँ है? राधा बेटी, राधा दरवाजा खोलो। अरे इस तरह तूफान का सामना मत करो बेटी, बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा बुआ, तूफान मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे पागल हो गई है क्या? कितने दिनों से मैं इसका इंतजार कर रही थी, ये आ जाया है और तुम कहती हो कि मैं इससे ना मिलूं? नहीं बुआ, मैं तूफान से जरूर मिलूंगी, जी भर के मिलूंगी, कोई नहीं रोक सकता आज मुझे इससे मिलने से। अब मत घबराना मेरी जान, आ गया है रोमी तूफान। तुम, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? हाँ, मोहब्बत और जुर्रत क्या चीज है ये तू क्या जानेगा? कसाई, ये दीवारा बन कर रहेगा तुम्हारा परमानेंट जवाई। अरे पकड़ो इस रोमी को और बाहर फेंक दो इसकी लाश। अरे भाई, पकड़ो इसे। अरे बुआ जी, मैनेजर, पकड़ो इसे, पकड़ो। हाय तेरी कमर, हाय तेरी चाल, तुझको देखकर हो गया मेरा बुरा हाल। मैनेजर, अबे मैनेजर मैं ऊपर हूँ, इधर मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। अबे अबे पकड़ पकड़, आराम से, छोड़ना मत, छोड़ना मत तुझे, पकड़। अरे दानव को बुलाओ, दानव को। कहाँ है दानव? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रोमी, तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी मौत लगती है। मुझे इस घुटन से बाहर निकालो रोमी, मुझे भगा ले जाओ अपने साथ। भागे हमारे दुश्मन मेरी जान, हमें रुकना होगा, हमारी मोहब्बत के आगे इन कमीनों को झुकना होगा। मेरे डायलॉग पसंद आए? डरो मत मेरी जान, प्यार के दुश्मन होते हैं कमजोर। मैं जानती हूँ लेकिन रोमी। दानव, अरे ये तो भूत है। दानव, अंकल, रुको, दानव, हटिए भाई, दानव साहब, अरे मेम साहब की बात सुनिए, अरे दानव साहब, अरे दानव भैया, दानव अंकल, अरे बाप, अरे समझाइए ना इनको, ये तो खांसा भूत है, अरे दानव भैया, दानव अंकल, दानव चाचा, दानव दानव, पकड़ो इसे, अरे फेंक दो इसे बाप। अरे चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। जाओ भैया के पास। भैया, रोमी
तूफान खतरे जान कर दिया रोशन हमारा नाम। अरे आगे आगे देखो मामा, देवी माँ के प्रताप से राधा को जल्दी इस घर में ले आऊंगा। उसके बाद ना तो दूध फेंटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अंगीठी सुलगाने की। हाँ हाँ बेटे, सारी उम्र अंगीठी तो हमने सुलगाई और हलवा खाएंगी रानी बिटिया। राधा से आपको क्या तकलीफ है मामा? बल पड़ते ना पेट में इनके। लड़की तो अच्छी है मगर इसकी हरकतें तो देख, पता नहीं क्या क्या करके आया हवेली में। कल पुलिस घर आ गई तो आपको पकड़ेगी। मुझे क्यों? मैं कह दूंगा ये मामा का मास्टरमाइंड है, मैं तो मामा का बस पिट्ठू हूँ। हाँ हाँ, देखा आपने लाडले को? अरे मेरी नहीं तो कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल किया कर, जो कि खुद एक सूट नहीं पहनता और तेरे लिए नाइट सूट तक ले आता है। क्या देख रहे हो बेटे? आनंद भैया को, काश आज वो यहां होते। मुझसे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है क्या? मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? हाँ आप पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है भैया कि इस घर में ज्योति जैसी भाभी नहीं है। ड्रामेबाज है अपना रोमी, ड्रामेबाज। जानता हूँ तू चाहता है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए ताकि तेरी भी हो जाए, मगर तू फिक्र मत कर बेटे, मैं पहले तेरी शादी करूंगा फिर अपनी करूंगा। भैया इतना बड़ा बलिदान? बलिदान के बच्चे, पहले पढ़ाई पूरी करो, नौकरी करो, बड़ा आदमी बनाओ, फिर शादी करो। नहीं 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 भैया, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। I want to be a businessman, corporate. Businessman बनेगा? बाप दादा ने इतनी जायदाद दे दी है ना? I want to be a businessman, that's why I want to marry a daughter of a businessman. Do you understand, you old man? I do understand, you young man. Oh, you misunderstand, old man. काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब तो नहीं सुनना पड़ता ना। ज्यादा दंडे पड़ते बेटे, ज्यादा दंडे अगर माँ जिंदा होती तो, जैसे हमें पड़ते थे। यानी एक बात सीरियसली सुन ले बेटे, आज मैं जानता हूं तू राधा से बहुत प्यार करता है, मगर यह ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राधा के खानदान और हमारे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है बेटे। वो जितने अमीर है उतने ही कमीने हैं। वो तो है, तू जानता है। तो फिर वो तेरे जैसे मासूम जान को अपने हवेली के चौखट पे कुचल देंगे, तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं उस चौखट को जला दूंगा भैया। वो जो तुम्हें जेल भेजेंगे उसका क्या? और आप जो मुझे वहां से छुड़ा लोगे उसका क्या? कत्ते नहीं। मैं लड़कियों के घर में जाने वाले को सपोर्ट नहीं करता। अरे मैं घर में कहां जाता हूँ भैया, मैं तो राधा से मिलने जाता हूँ बस। देखो बेटे, राधा के किशन, ये बंसी बजाना बंद कर दो वरना एक दिन तुम्हारी खुद की बंसी बज जाएगी। बालों को हाथ मत लगाइए भैया। क्यों? इसी में तो मरती है, रीछों के बाल पे भी लोग मरते हैं। अरे मामा, वो आशिक का बच्चा है, ना सुधरा है ना सुधरेगा। ठीक कह रही हो तुम, असल में तुम और रोमी दोनों इश्क के रोगी हो। सही कहा मामा, रोगी हैं पर शक्ति की तरह जोगी नहीं। एक भाई छोकरी को छोड़कर नौकरी के पीछे जाता है और एक भाई नौकरी को छोड़कर छोकरी के पीछे जाता है। वाह रोमी वाह। आज देखो मामा, इश्क का तमाशा, महल के सब दरवाजे बंद है, चारों तरफ सिपाही है, राधा जी अंदर और किशन जी बाहर। अब देखना है कि दोनों कैसे मिलते हैं। सब तैयार हो जाओ। तैयार। हेलो रोमी, रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई राधा वाधा नहीं है। हेलो रोमी, वो अरे चुप। देख रोमी, अगर तूने दोबारा राधा का नाम लिया ना तो तुझे आधा बना दूंगा, समझा? अरे गलत नंबर था भाई। रोमी कमीने, देख के नंबर लगा, देख के। अगर दोबारा ये गलत नंबर लगाया ना तो हम तुम्हें वहीं आकर गोली मार देंगे। वो मेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहा है बाबूजी, एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए बाबूजी, सिर्फ एक बार। राधा तुम अपनी मर्यादा मत भूलो, तुम्हारे जैसे ऊंचे खानदान की लड़की का उस दो कौड़ी के लड़की के साथ बात करना शोभा नहीं देता। जाओ ले जाओ उसे, बंद कर दो। बाबूजी प्लीज, सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार ले जाओ उसे। बाबूजी, अंदर अंदर चलो बाबूजी। पहले तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए। हाँ हाँ,
ये राधा का ही घर है, मगर तुम उससे बात नहीं कर सकते। हमने कहा ना कि तुम उससे बात नहीं कर सकते। बेटा सिर्फ इतना बता दो कि तुम बोल कहाँ से रहे। महाराजा धीराज योगेंद्र सिंह की कसम, तुम्हें वहीं आकर गोली न मारी तो मेरा नाम भी जैनेन्द्र सिंह नहीं। भाई रोमी तुम तो बड़े कमीने हो, यूं समझ लो कुत्ते की दुम हो कुत्ते की। आए मेरा दूध है किसका है? अच्छा मेरे लिए भी जाकर ले आ जा जल्दी से। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम कुत्ते की दुम की तरह हमेशा टेढ़े ही रहोगे, टेढ़े। सबान संभाल कर बात करो, मैं राधा नहीं उसकी बुआ बोल रही हूँ। मुझे भी उसकी बुआ से ही काम है, तुम्हारी कसम बुआ। राधा तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही पागल हूँ। हाय रोमी, ये क्या कह रहे हो तुम? सच कहता हूँ बुआ जी, मेरे और राधा के बीच में टांग मत अड़ाइएगा, वरना आप जब अपनी नौकरानी पारो के साथ गलत हरकतें करते हैं ना, बुआ जी से कह दूंगा मैं। hey, रोमी, खबरदार अगर तुमने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की। अरे वो तो एक बार गलती से अंधेरे में मैंने अपनी बीवी समझकर उसको पकड़ लिया था। आज ना सही ससुर जी, लेकिन कल तो इसी नाम से पुकारूंगा ना आपको। तुम्हारी ये इच्छा हमारे जीते जी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा तो आप यही बता दीजिए कि मर कब रहे हैं? देखो देखो ये रोमी क्या कह रहा है। अबे चुप कमीने, मुझसे ही बदतमीजी किया जा रहा है। मैनेजर, ओए मैनेजर, माफ कीजिएगा बहनोई जी, लेकिन आप इतना बताएंगे कि आप बात किससे कर रहे हैं? अरे उस पाजी रोमी के साथ। और जानकी बहन तुम? रोमी से। और हम भी उसी कमीने रोमी से बात कर रहे हैं क्या? अरे लेकिन हम तीन एक साथ एक रोमी के साथ कैसे बात कर सकते हैं? कौन बोल रहा है? रोमी। मुझे तो लगता है वो पाजी रोमी हम सबको बेवकूफ बनाकर हमारी इस हवेली में घुसाया है। दानव, दानव! मालिक, आज उसने हमारी गैरत को ललकारा है। आज या तो वो नहीं जाने की तुम नहीं। आए? कौन है? क्या हो गया? अरे कोई है? बिजली चली गई। अरे दरवाजे बंद करो। इस कैद में हमको रहना नहीं, हम प्रेमी हैं तोता मैना नहीं। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, एक बार करो, सौ बार करो, इकरार करो, इनकार करो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, एक बार करो, सौ बार करो, इकरार करो, इनकार करो। करती हूँ बाबा करती हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मेरे रंग ढंग का मोड़ दो, मोड़ दो, हाँ हाँ मोड़ दो, मुझे पागल करके छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ हाँ छोड़ दो। मेरे दिल को अपने दिल से कोई चीज लगा कर जोड़ दो, हाँ जोड़ दो बाबा जोड़ दो। जल्दी करो मेरा हाल सुनो, जल्दी करो मेरा हाल सुनो। सुनती हूँ बाबा सुनती हूँ, इतनी जल्दी ना यार करो। शक्ति भैया रोमी राधा को भगा ले गया। बाहर बारिश अंदर शोले, जल जाएंगे
कहना नहीं, हम प्रेमी है तोता मैना नहीं। जल्दी करो मेरे साथ चलो, जल्दी करो मेरे साथ चलो ना। चलती हूँ बाबा चलती हूँ, नैनों की डोली तैयार करो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। इश्क पे कोई जोर नहीं, तुम आशिक हो कोई चोर नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके कहाँ भाग रहे हो तुम चुपके। आओ यहाँ जाते हो कहाँ, आओ यहाँ जाते हो कहाँ। रुक जाओ बाबा रुक जाओ, मुझ पे तो एतबार करो। भले प्यार करो एक बार करो, सौ बार करो ना। अरे प्यार करो, हाँ जी प्यार करो। मैंने कहा था ना भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये रही आपकी लड़की और ये रहा मेरा लड़का, दीजिए ना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू भैया, आ जाओ आ जाओ। हाय फूफा जी। अरे भैया आप गले मिल रहे हो। अरे ठीक है, अरे भाई ले जाओ इसे और गाड़ी में रखो। भैया हमने आप पर एक बार किया और आप हमारा एक बार करवा रहे हो। ऐसी हरकत करोगे तो पिटाई तो होगी ना बेटे। भैया क्या है, हाथ चढ़ हाथ चढ़ साले, अब हाथ लगा के देख भैया। अरे गधों भूतनी के टकों, मेरा क्या मुंह देख रहे हो। दो ना उस मजनू को उसका इनाम। भैया मारो इसे। अरे रोमी प्यार से। ये ठीक नहीं है भैया। अरे यही सही है बबुआ, इससे आशिक की हड्डी मजबूत होती है और अक्ल भी आती है। ए भाई ये तो सीरियसली मार रहे हैं यार। ए देखो रे, ए आराम से, ए ए ए देखो, एक एक करके आओ रे। सब ठीक है। देखो लड़के के रिश्ते में उसने कुछ नहीं करा हो, पर रहे तुम्हारी। ए भाई, अरे भाई सीरियसली मार रहे रे। अरे लिमिट में, लिमिट में। मैंने पिटाई करने को कहा था, खून बहाने को नहीं। अरे भाई पिटाई होगी तो जरा खून तो बहेगा ही ना। बहेगा बहेगा। उसका खून बहेगा तो मेरा भी खून फलेगा, मेरे भाई का खून है। अबे हट। मेरे भाई को मारोगे, मेरे बच्चे को पीटोगे, मेरे बबुआ का खून निकालोगे, तुम्हारी तो। मेरा भी खून खोल रहा है।
रुक जाओ भैया, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मैं सालों को रोमी, रोमी मेरे बच्चे, चल कुछ नहीं हुआ बेटे, चल चल, मेरे बच्चे को मारोगे, मेरे भाई को मारोगे, मेरे भाई का खून निकालोगे। अरे ओ किशन जी की राधा, चल खाना खा ले, दो दिन से भूखी प्यासी बैठी है। अरे कोई नहीं आने वाला, खिड़की से कूद के। हाँ वो आएगा बुआ, वो जरूर आएगा। ए मामा, रोमी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? शक्ति, तेरा बुलावा तो फैक्ट्री से आ गया और तू चला गया, मगर रोमी बेचारे ने ना कुछ खाया है ना पिया है, और दवाई तक नहीं छुई, और डॉक्टर कह रहा है उसे 102 बुखार है। 102? हाँ। मानो। और मजनू साहब, सुना है आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ सर्दी में बैठे हैं, बुखार है आपको? हाँ हाँ, बुखार आ गया है और अब मैं मरने की तैयारी में हूँ। ओह, मरने की तैयारी, वेरी गुड। मरने से पहले कुछ सेब खाओगे? नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। वाह, बहुत अच्छे सरकार। दूध? दूध मुझे तो पानी का एक कतरा भी हराम है। डोंट वांट। ठीक है, वांट। वाह बेटे, वाह, क्या हो गया तुझे? तुझे मालूम है कि तेरा भाई सुबह से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है और तू है कि चटखारे लेके खाए पिए जा रहा है। क्या करूं, आशिक ऊपर जाने की तैयारी में। तो ठीक है, अब खुशियां मनाने का ज्यादा इंतजार मत कीजिए, बुला लीजिए बैंड बाजे वालों को, आज ही मर के दिखाता हूं मैं आपको। अगर राधा की शादी किसी और के साथ हो गई ना तो वो जहर पी लेगी, और अगर वो मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। बाय। खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बातें की तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इतना बड़ा किया जहर पीने के लिए, तो फिर और क्या करूं? हो जाने दो उसकी शादी किसी और के साथ। रोमी, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तू? समझने की कोशिश की थी आप, एक बार भी मेरी आंखों में झांक कर देखा है आपने? एक बार भी राधा के दिल को टटोल कर देखा है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है? एक बार भी अपने भाई की खातिर उन हवेली वालों से बात की आपने? नहीं। जिसे देखो अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की बात करता है, जैसे दुनिया में सबसे बड़ी अहमियत इन सब चीजों की है, और तो कुछ है ही नहीं। अब तू पाल के दिखा बाबा को कि तेरे आदेशों ने माँ की निशानी को कीचड़ में फेंका है या आसमान में बिठाया है। रोमी बेटे, तू पागल हो गया है क्या? अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? हाँ, मैं पागल हो गया हूं, इसलिए कि आग लगी है मेरे दिल में। मैं कुछ समझना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि राधा और मेरा प्यार तब का है जब वो 9 साल की थी और मैं 13 साल का, और अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो जान दे दूंगा मैं अपनी। अपने बाबूजी के कपड़ों में तो तुम बिल्कुल बाबूजी लग रहे हो। चलो रोमी, शायद तुम ही सही हो। शक्ति सिंह की बात सुनी बहनोई साहब? जी हाँ साले साहब, सुन ली। अब मैं इनको क्या जवाब दूं? हाँ पूरा मत मानना शक्ति सिंह, लेकिन तुम्हारी औकात और हमारी हैसियत में कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर है। थोड़ा बहुत तो नहीं चौधरी साहब, सच तो यह है कि जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या तुम्हारा इस तरह चौधरी साहब की बराबरी में यूं सोफा पर बैठकर बात करना ठीक है? आखिर तुम अपने छोटे भाई के रिश्ते की बात करने आए हो। Thank you.
भैया आप बेचारा हाँ आप कहो कुछ कह रहे थे ना जी मैं ये कह रहा था कि मेरा भाई बड़ा पढ़ा लिखा है इंटर पास किया है इसने यस इंटर जी अरे जगमोहन जी हजूर तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो भाई एमए पास है सरकार अच्छा हमारे मैले कपड़े धुला लाए नहीं हजूर शाम को लेके आऊंगा एमए इंटर हाँ तो शक्ति से हम सुन रहे हैं बोलो बोलो जी मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ चौधरी साहब कि अगर राधा और रोमी की शादी नहीं हुई तो ये दोनों जान दे देंगे तो मर जाने दो ना उन्हें हमारे खानदान में भिखारियों के साथ रिश्ते नहीं जोड़े जाते शक्ति सिंह जानकी ठीक है ये लोग गरीब हैं मामूली हैं पर भिखारी नहीं शक्ति सिंह ट्रक ड्राइवर है वो भी मिलिट्री का संगे मरमर की इस दहलीज पर कदम रखते हुए तुम्हारा दिल जरूर धड़का होगा क्यों ठीक है ना धड़का तो था एक बार तुम्हारे दिल में जरूर ख्याल आया होगा कि तुम चांद को पाने की कोशिश कर रहे हो आया तो था इसका मतलब तुम समझदार इंसान हो लेकिन अपने इस भाई के रिश्ते के लिए यहां कैसे चले आए मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं चौधरी साहब प्यार तो हमारा दानव भी अपने भाई से बहुत करता है पर कल ये अपने भाई का रिश्ता हमारी राधा से करने आए तो क्या हमें मान लेना चाहिए बोलो जी नहीं अरे जाओ जाओ रोमी अपने केस को मजबूत करने के लिए किसी अच्छे वकील को लेकर आओ ये किस नामर्द को लेकर आए हो यहां अरे ये तो पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ हां में ही गर्दन अपनी हिलाते जा रहा है चल बेटा घर चल अब तो हम कुत्ते हो गए और ये कुत्ते पालने वाले चल अगर इसके बाद इस घर में तुमने एक कदम भी रखा ना तो कुत्ते से भी बुरा हाल करेंगे हम हां बस ओए बस बहुत कह दिया तूने अब बहुत सुन लिया हमने अब बहुत कुछ कहा ना तो जबान खींच लेंगे तेरी भैया चलिए और गंदा खून है ना आखिर गंदा खून तो बोलता ही है चौधरी करो बाहर फेंक दे दोनों को अरे नहीं भैया तो नहीं भैया चलिए ना चलिए भैया कभी नहीं पकड़ो कभी नहीं आऊंगा इस घर में कभी नहीं आऊंगा सॉरी रोमी अब थोड़े दिन के लिए तुम अपने भैया से राधा की बात भी न करना और न ही राधा से मिलने की कोशिश लेकिन ज्योति तुम तो जानती हो ना मैं राधा के बिना जी नहीं पाऊंगा मेरी सहेली लक्ष्मी जो राधा की हवेली में काम करती है कह रही थी कि आज कोई बड़े राजा लोग राधा को देखने आ रहे हैं माता सब ठीक करेगी बस हम तो ये चाहते हैं कि शादी बड़ी धूमधाम से हो धूमधाम से मतलब बस ये कि हमारी इज्जत बनी रहे बिरादरी वालों के बीच नाक न कटे हमारी फिर भी आजकल 40-50 लाख रुपए तो लगी जाते हैं शादी 40-50 लाख आप चिंता मत कीजिए राजा साहब 50 लाख का खर्चा तो हम खुद सोचे बड़े राजा साहब के विदेश से लौटते ही शादी का मुहूर्त निकलवा कर हम आपको सूचित बहुत अच्छा नमस्ते
साथ जिएंगे साथ मरेंगे, रोमी राधा अमर रहेंगे। लेकिन उसने ये चिट्ठी लाल स्याही से क्यों लिखी है? लाल स्याही नहीं है, उसने अपने खून से लिखी है चिट्ठी। तुमने भैया को दिखाया? ज्योति, भैया जितना मेरे लिए कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। तो क्या रास्ता है अब? अब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा, अच्छा बुरा या बहुत बुरा। रोमी, 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 रोको मत, रोमी कहाँ जा रहे हो? हटो रोमी, रोको इसे, रोमी। बेहतर यही होगा कि आप लोग चंद दिनों के लिए ने कुछ मत कहिए। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटी, उस हरामी ने राधा के ऊपर कोई जादू मंत्र कर दिया है। आप फिक्र मत कीजिए साले साहब, मुझे भी एक ऐसा मंत्र मिल गया है जिसमें हमारे लिए लाखों का फायदा और रोमी के लिए उसका अंत है। वो कैसे? रोमी किसका बेटा है, उसका पिछला इतिहास क्या है, उसके इतिहास का रावण कौन है, सब मुझे मालूम पड़ गया है। तो अब आप देखते जाइए, मैं रोमी को एक ऐसे भविष्य में ले जाऊंगा जहां आदमी सिर्फ भस्म होता है। भस्म। फिर तुम आ गए, हटो यहां से। मुझे राधा से मिलना है। राजा साहब की गाड़ी आ गई, जाओ यहां से। किस्मत की बात है बेटे, दौलत वालों के दरवाजे पर गरीब के मुंह पर कीचड़ी तो पड़ता है। हाँ? फूफा, मुझे एक बार राधा से मिलना है। अरे वाह, मैं तो तुम्हारी इश्क और जुनून की दाद देता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। और फिर मैं तुम्हारी मदद इसलिए भी तो नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपनी मदद खुद करना ही नहीं चाहते। मैं अपनी राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जाओ गाड़ी ले आओ, जाओ। काला धंधा कर सकते हो? काला धंधा? हाँ, ये राजा साहब जो राधा की मंगनी करके गए हैं ना, ये भी काले धंधे वाले ही लोग हैं। हाँ, अरे दौलत वालों की लड़की चाहिए तो दौलत वाला बनकर दिखाओ। सोने का धंधा सोनार बनकर किया जाता है, लोहार बनकर नहीं। तुम राधा को अपनाना चाहते हो? हाँ? ये जो तुम्हारे भाई का दिया हुआ शरीफाना चोला है ना, इसे उतार फेंको और खुद अपनी दौलत कमाओ। कैसे? शॉर्टकट से। शक्ति भैया, दूर जा रहा हूं आपसे, बिना आपसे मिले, बिना आपकी आज्ञा लिए। माफी मांगता हूं भैया, अब मैं इस दुनिया को कुछ बन के दिखाना चाहता हूं भैया। जैसे ही कुछ बन जाऊंगा आपके चरणों में लौटाऊंगा, लेकिन साथ में राधा को लेकर। और जिन शैतानों ने आपका तिरस्कार किया है ना, वो भी एक दिन आपके सामने घुटने टेकेंगे। आपकी कसम भैया, नाराज नहीं होना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। शक्ति बेटे, रोमी अब जवान हो चुका है, कब तक एक मां की तरह तुम उसे अपनी जंजीरों में बांध के रखोगे? ये उसकी जंग है शक्ति, उसे लड़ने दो। तुम्हें उसे इस वक्त आशीर्वाद देना चाहिए। मेरे भाई का ख्याल रखना मां। से जाकर कहो किशनगढ़ की हवेली से हिम्मत सिंह जी मिलने आए हैं, साथ में पालक को भी लाए हैं।
अरे भाई, उन्हें अपने धंधे में होनार जवानों की जरूरत थी ना। हाँ हाँ भाई भाई, बस उनसे कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ थैंक यू। हाँ सिंह सत्या के बेटे को लाया है। त्रिमूर्ति की सबसे छोटी मूर्त माता। जय माता, जय माता, माता माता माता, जय माता। सर मुझे मुर्गी बहुत अच्छी लगती है सर। ये मुर्गी नहीं मुर्गा है। हाँ मुर्गा सर, मुझे मुर्गा भी बहुत अच्छा लगता है सर। सर मुझे नौकरी मिलेगी ना? इस उम्र में क्या काम करोगे? सर मैं कुछ भी काम करूंगा सर, अच्छा बुरा गंदा साफ गुड बैड अगली कुछ भी सर। हमारा तो गंदा ही काम रहता है। हाँ मुझे फूफा ने बताया था कि आप लोग सिर्फ गंदा ही काम करते हैं। हाँ सर ये चिकन बहुत अच्छा है सर, थैंक यू आल। पैसों की बहुत बहुत जरूरत है तुमको। हाँ हाँ सरकार, वो हवेली वालों से रिश्ता जो जोड़ना है। सर ये वो हवेली गिरवी है हमारे पास। हाँ, तो फिर फूफा भी गिरवी होंगे आपके पास ना? नहीं सर, ये आप कहाँ पे जा रहे हो? बहुत नफरत करते हो। जी हाँ, आई हेट हिम। आओ लेकिन उसकी भतीजी से बहुत प्यार करता हूं सर। उससे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। पैसे शक्ति सिंह के भाई हो ना तुम? जी हाँ। सत्या देवी की बेटी हो? जी। क्या बहुत अच्छी और थी तुम्हारी माँ। आपको किसने बताया सरकार? फूफा ने। और एक और भाई था ना तुम्हारा, आनंद। जी बचपन में मर गया। जय माता दी। हाँ पीटर, मैंने गौहर जंगल के बाकी सारे हिस्से खरीद लिए हैं। बस अब सिकंदर को भेजो और कहो पूरे जंगल का मुआयना कर ले। हाँ जरूर। बस धंधा 6 महीने में कम से कम 6 गुना बढ़ जाएगा। यस डार्लिंग। हाँ तू कल ही आ जाओ। राइट, मैं कल ही सिकंदर को लेके आता हूँ। Yes. सिकंदर को मेरा प्यार देना। sure. जय माता दी। सरकार ये सिकंदर साहब कौन है? ये वो सिकंदर है जिसकी एक उंगली भी पकड़ोगे सीधे आसमान की बुलंदी तक पहुंचोगे। तो
दुनिया कांपती है उससे। हमारे पार्टनर पीटर का बेटा है, उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। अरे सरकार, उसका तो मैं मास्टर हूं, मास्टर चैंपियन।
जाएगा वरना जहां हिल जाएगा। आरात हम ले जाएंगे उसको उठा कर ले आएंगे। यारों का तो नौकर हूं मैं, हीरो है तू जोकर हूं मैं, जोकर हूं मैं, जोकर हूं मैं। अच्छा चलता हूँ। कब लौटोगे? कहा ना 2 महीने के बाद। मामा भी यहाँ नहीं है, रोमी भी यहाँ नहीं है, और अब तुम भी जा रहे हो। अगर तुम भी रोगे तो मेरा क्या होगा? सुनो, रोमी आए तो खत लिखना कि कैसा है वो। तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा, मैं ढूंढूंगी उसे। बानू भैया, आप गुजर रहे थे इधर से, सोचा मिलते आए और माता की जागरण का प्रसाद भी अपनी बहना को देते आए। रोमी ठीक है ना? A1। आनंद, अरे अपना प्रसाद मत भूलना। देखो तुम्हें तो कहा था कि इस पत्थर वाली दुनिया में एक संगे मरमर की त्रिमूर्ति बनानी है। अब संगे मरमर की त्रिमूर्ति को तराशने में कुछ तकलीफें कुछ कठिनाइयां तो होंगी ना, तो यही समझ लो कि ये घिसाई पिटाई छटाई वटाई बच्चों की आपस में ये सब तो होंगी। अरे शुक्र करो कि उस राक्षस कूका का साया बच्चों पे नहीं पड़ा, वरना वो युद्ध तो बहुत ही खतरनाक होता। वो युद्ध तो होगा भैया, वो मेरा युद्ध है और वो समय भी दूर नहीं है। जय माता दी। यह वर्ष तुम्हारे लिए अति संकट का है कूका। इस पत्रिका में साफ लिखा है कि त्रिमूर्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। त्रिमूर्ति कब की टूट चुकी है पंडित जी? एक भाई मर चुका है, दूसरा भाई बड़े भाई को छोड़कर हमारे यहाँ नौकरी करता है, यानी कि मौत की घड़ियां गिन रहा है। आश्चर्य की बात है, तुम कहते कुछ हो लेकिन इसमें तो कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है? यही कि त्रिमूर्ति तुम्हारी मौत अवश्य बनकर आएगी एक दिन। कहां से? जल से, थल से और गगन से। आप सतयुग की बात कर रहे हैं या त्रेता युग की? हम आज की बात कर रहे हैं, इस युग की। कलयुग की? कलयुग में सिर्फ कूका का राज है, सिर्फ कूका का। ये सारा जंगल कूका सिंह ने खरीद रखा है, इसमें उसकी कोकिंग की फैक्ट्रियां हैं, जिसमें वो हमें 50-50% का पार्टनर बनाना चाहता है। कूका के साथ पार्टनरशिप में धंधा करने के लिए कुछ दिन छानबीन करनी पड़ेगी बाबा।
लेकिन मैं कूका के साथ नहीं ठहरूंगा। क्यों? मैंने उसे बचपन में देखा है, वो बूढ़ा जंगली इंसान पर नहीं भगवान पर भी राज करना चाहता है। मतलब? ये हमारे गांव के मंदिर को अपने बाप का घर समझता था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। तुम पीटर के बेटे हो सिकंदर, और सिकंदर सिर्फ आने वाला कल देखता है, गुजरा हुआ कल नहीं। छोड़ो उन यादों को बेटे, वो गुजरा हुआ कल है। यू आर राइट बाबा, कल शाम और थी, आज शाम और है। कल ठिकाने और थे, आज मंजिल और है। तुम्हारा नाम? विजन 44। माल लाया? नुसरत, बैग ले लो। अरे इस माल की कोई कच्ची रसीद मिलेगी? ठहरो, बैग खोल कर देखो उसमें 200 सोने की बिस्किट है कि नहीं। डागर, इसमें पत्थर है। पत्थर? अरे नहीं डागर साहब, अरे प्लीज प्लीज, अरे ये क्या, अरे अरे डागर साहब, अरे डागर साहब क्या कर रहे हैं आप? हरामजादे धोखा करता है हमारे साथ। अरे नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया भगवान की कसम, मैंने तो बैग खोल के देखा भी नहीं, जैसा मुझे बैग मिला वैसा मैंने आपको दिया डागर साहब। अरे अरे संभाल के देखे, झूठ बोलते हो तुम। अरे नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इस कॉलेज में नया नया भर्ती हुआ हूँ, मुझे तो कुका सिंह के किसी आदमी ने फोन करके कहा है आप बात बातें क्यों चला रहे हैं। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे सर, सरकार, माय बाप, आपकी भी कोई औलाद होगी, मुझे भी अपना बच्चा समझे, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है। सच सच बता, माल कहाँ रखा है? नहीं तो एक भगवान जी, दो शक्ति भैया, तीन के बच्चे। मैंने तुमसे कहा था ना जाओ जाओ, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन सर आपका शुक्रिया अदा किए बिना मैं यहाँ से कैसे चला जाता? ठीक है, पर तुम्हें मालूम था मैं क्या कर रहा था? लेकिन सर मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि आप यहाँ जंगल में खड़े होके। शट अप। सॉरी सर। कम यहाँ। यस सर। मैं यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो कुका सिंह के आदमी ने मुझे फोन करके कहा कि पीली कोठी से काला बैग लेकर यहाँ आके इस आदमी को मैं दे दूँ। सब सुना, मेरा सब सुना। सॉरी सर। कितने दिनों से इस धंधे में हो? 7 दिन से सर। सर मैं आपको उस दिन मिला था ना, उस दिन मेरा चौथा था, मेरा चौथा दिन था सर।
तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि आप हंस रहे हैं सर। मतलब जो मैं करूंगा तुम करोगे? बिल्कुल वही करूंगा सर। फिर करो। हाँ सर। Shut up! Oh, I am sorry, sir. तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं सर। मेरे जैसा? हाँ, क्यों सर? सिकंदर स्टाइलिश, रिच, बहादुर। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। लेकिन सिकंदर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ सर। पैसे वाला क्यों? क्योंकि मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ सर। ये राधा कौन है? मेरी महबूबा। मतलब आशिक हो? जबरदस्त सर। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, लगाइए। थैंक यू सर। पकड़ोगे क्या सर? बंदूक। हाँ सर। थैंक यू सर। जब लड़की के घर वाले दुश्मन बन जाते हैं तो आशिक के दिल को ठेस तो लगती है ना सर? लगी सर। अरे क्या उनके बाप गरा जाए सर? अरे वो समझते क्या अपने आप को? इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी राधा से अलग नहीं कर सकती सर। अरे मैं सब कुछ खत्म कर सॉरी सर, सर आग लगा दूंगा मैं, आग। मेरा तो ये ओपन चैलेंज है सर, एक्सक्यूज मी, कि जिसमें दम हो वो मेरे सामने आ जाए, मैं अकेला ही 100 के बराबर हूं। बैठ जाओ, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। नहीं सर, हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना, जब मैं गुस्से में आता हूँ तो यूं ही घूमने लगता हूँ, यूं ही घूम। मगर उसका वो जो बाप है ना सर, उसके बाप के तो मैं टकले पर मारूंगा सर। और वो फूफा, उसको तो मैं यूं घूसा मार के उसका मुंह तोड़ दूंगा सर। देखिए ये वो गॉन केस। Very good sir. Hi. Hi. तुम फिर आ गए? दरअसल सर, मैं आपसे माफी मांगने आया था कल रात की हरकतों पर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। लेकिन मुझे तो बहुत फक्र है। मुझ पर सर? तुम्हारी हरकतों पर। मतलब आशिक सच्चे हो? थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन कामयाब नहीं हो सकते, शराब पीकर गिर जाते हो। नया हूं ना सर। बहुत प्यार करते हो उस लड़की से। लेकिन सर उसे लड़की मत कहिए, लड़कियां तो हजारों हैं लेकिन राधा सिर्फ एक ही है। देखो रोमी,
इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए तीन तरीके की पावर चाहिए। पावर सर? मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर। पैसा, ताकत या तलवार। लेकिन सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो प्यार से ना माने वो तलवार से माने। तलवार सर? ये पिस्तौल लो और सीधा राधा की हवेली के बाहर खड़े हो जाओ, रात के अंधेरे में। फिर सर? फिर एक गोली चलाओ। फिर सर? राधा के घर वाले बाहर चले आए। फिर सर? फिर इसे घुमाओ और इस पिस्तौल से डराओ। फिर सर? फिर गायब हो जाओ। फिर सर? पहले ये तो करो। हाँ सॉरी सर। सर एक बात पूछूं, आपने मुझसे मेरी सारी लव स्टोरी पूछ ली है और आप मेरी इतनी मदद भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने कभी इश्क नहीं किया। ओह। लेकिन आशिक मुझे बहुत पसंद। थैंक यू सर। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। डर मत रोमी, बंदूक उठा, गोली चला। सर ठीक कहते थे, सर बाहर आ गए। अब जरा स्टाइल से बंदूक घुमा। रोमी, पिस्तौल तान, पिस्तौल तान रे। डर गए साले। अब जरा स्टाइल मार। तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन। क्यों नहीं? मिठाई खाओ बेटा। पिस्तौल भाई तेरा। बंदूक था, पिस्तौल उधर करो, उधर करो बेटा। बंदूक। तो आप क्या कह रहे थे? बेटा मैं तो यही कह रहा था कि पिस्तौल चलाने से या खून खराबा करने से तो बात नहीं बनेगी, बात तो बात करने से बनेगी। क्यों जी जाजी? अरे साले बात क्या करनी है, हम तो देख चुके हैं हमारा रोमी बेटा हमारी राधा बेटी से कितना प्यार करता है। हमारी राधा बेटी के लिए रोमी से ज्यादा अच्छा लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हजूर आपका फोन आया है। हेलो रोमी। रोमी मैं बोल रहा हूँ। यस 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 सर। डरो मत, इस तरह बात करो जैसे तुम सिकंदर हो और मैं रोमी। कुछ फायदा हुआ गोली चलाने का? हुआ तो है। गुड, डायलॉग नंबर वन याद है? एक काम करो, माइकल का खून कर दो। खून? अब डायलॉग नंबर टू, माइकल के दोस्त राजन की फैमिली को किडनैप कर लो। हो सकता है आगे हमारे लिए चलकर वो प्रॉब्लम ना बन जाए। Good, sunny boy, good. And all the best. Okay. Don't touch me. Don't touch me. No touch. पकड़ो। हाँ तो बुबा जी, आप क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? अरे हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और राजा साहब को क्या कहेंगे? अरे गोली मारो राजा साहब को। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है मुझे। I'm all right. डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिस्तौल जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन कंट्रोल योरसेल्फ। मैं दादा के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, लेकिन आप में से कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा प्लीज। नहीं बेटा नहीं। ये राधा प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ा। राधा बाहर छोड़ो। जा रही है, जा रही है। शी इज कमिंग। यस। डरने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज एवरीवन। बाय बाय बाय। मैनेजर, मैनेजर। अच्छा है, अब तो बहुत चिल्ला रहे हैं साले साहब। जब रोमी यहाँ पे था तब तो आपकी बोलती कुछ बंद हो गई थी। उसके हाथों में पिस्तौल थी। पिस्तौल? पिस्तौल देख के किसी की भी बोलती बंद हो जाएगी। सुना? बोलती बंद रहे तो ही अच्छा है, अब टाइम बदल गया है। मुंह खोला तो कहीं वो मशीन गन लेकर ना चला है। मशीन गन? फिकर मत करो जान की बहन, इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। हाँ है। उसी के दिए हुए पैसों से हम उसी को अंदर करवाएंगे। बस आप उसे कम से कम 2 साल की सजा करवा दीजिए। ये सारे नोट आपके एडवांस में, यानी कि ये सब के सब आप मुझे दे देंगे? दे देंगे क्या,
दे दिए आपके साहब। हाँ और भी मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भाई जाओ जरा नजदीक आइए। हाँ जी हाँ कहिए। साले साहब हजूर मेरा कसूर? ये नकली नोट दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। नकली नोट? हाँ ये जाली नोट है। क्या? दो मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम दोनों को अंदर कर देंगे। अरे सर ये तो कमाल हो गया, कमाल। आपकी इस बंदूक ने हम सबको गीदड़ बना दिया। लेकिन अब तुम्हें शेर बनना है। शेर? यानी मैं भी गीदड़ हूँ सर? बंदूक चलानी तो आती नहीं, बंदूक से डराते हो? अरे सर मुझे बंदूक चलानी आती है, मेरा वो दोस्त है ना जोसेफ, उसने मुझे थोड़ी बहुत सिखाई थी सर। लेकिन अभी पूरी तरह सिखाना, जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ तुम पूरी तरह सीखोगे। कहाँ पर सर? कूका के क्लब में, जहाँ हिटमैन की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे नहीं नहीं सर, मुझको वहाँ नहीं जाना है सर। क्यों? अरे वो जंगली भेड़िया है सर एकदम। सॉरी सर, मेरा मतलब है आप ही मुझे सब कुछ सिखा दीजिए ना। उसने हम दोनों को वहाँ बुलाया, रात को उसका फोन भी आया था। इसका मतलब है सर आप मुझे कूका के हवाले कर देंगे? थोड़े दिनों के लिए था। लेकिन सर देखो, अगर तुम्हें सिकंदर बनना है तो पहले गोली चलाना बाद में खून करना सीखना। खून सर? हाँ खून। तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं रोमी? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? कुछ नहीं ऐसे ही है सर, कोई माता का भजन गा रहा है सर। ये भजन कौन गा रहा है? अरे सर ये तो आप मेरे गांव की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सा गांव? अरे वो सामने तो मेरा गांव है सर। अरे कूका का रास्ता इस तरफ है सर।
डार्लिंग, तुम्हारे दिल में डार्लिंग, तुम्हारे दिल में। कल क्लब में हम तुम्हारा पूरा दिन इंतजार किए। हाँ बस कुछ वक्त ही ऐसा पलटा खा गया कि हम भी पलटा खा गए। जज्बाती सिकंदर हो, इतना भी मत पलटो कि सब कुछ पलट जाए। खैर छोड़ो, जंगल का एग्रीमेंट साइन करना है। कब आ रहे हो? कब आ रहा हूं मैं फोन करके बताऊंगा। ओके क्या पलट रहा है बंजारा? वक्त सरकार, उसके आदमियों का कहना है कि आजकल वो भोले को अपने कंधों पर बैठाकर घुमाता है। हाँ सरकार, हमारे दुश्मन की औलाद को। जी सरकार। पीटर को बुलाओ। आप नहीं जानते ये कौन है? कौन है? हाँ? सिकंदर साहब हैं। सिकंदर साहब। हाँ? रोमी अब अजी अपना रोमी इन्हीं के यहाँ तो काम करता है। अच्छा? हाँ? जी नहीं, वो मेरा पार्टनर है। जी वो मेरे कारोबार में बराबर का हिस्सेदार है। बराबर का हिस्सेदार? आप ये समझ लीजिए कि मेरा छोटा भाई है। अब क्या कहते हैं भाई साहब? कहिए अब क्या कहना है। वो तो लड़का हमें शुरू से ही पसंद था, बस बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब आप आए हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ बिल्कुल। जानकी बहन, लड़की को बुलाओ। अभी बुलाती। वो इस वक्त घर पर नहीं है। घर नहीं है? अरे तो फिर वो है क्या? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए।
तेरा साल महीने दिन सतिया साल महीने दिन सतिया साल महीने दिन दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन। ओए जब देखो लटका मुंह। अरे अब तो मुस्कुरा दो यार। किस पर? अपनी तकदीर पर। हाँ हाँ अपनी तकदीर पर। उधर देखो कैसे मुस्कुराई है तकदीर तुम पर। अरे राधा जीते रहो तुम यहाँ। हाँ भैया हम सब आपके स्वागत के लिए आए हैं। कौन? स्वागत है माई बाप स्वागत है। मैनेजर ये सब क्या? नमस्ते नमस्ते भैया। आप स्वागत शक्ति सिंह। भैया तुम लोगों को पहचानने में थोड़ी भूल हो गई माफ कर दो। अबे पाप करना। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? मामा मामा रोमी कहाँ है? अरे जब चाहे बेटे सोना चाहे साग की खेती जिस पर उसको प्यार आ जाता उसको जेब में फाड़ के देता देने वाला देने वाला जब भी देता पूरा छपा फाड़ के देता वाह। ट्रालाला वेलकम भैया टू द न्यू हाउस फर्नीचर फ्रिज टीवी आने दो बीवी। ये सब? यस सर। अरे वाह। भैया ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। मेरे बॉस ने अपनी कंपनी में मुझे बहुत जल्दी तरक्की दे दी। वो कहने लगे मैं स्मार्ट हूँ इंटेलिजेंट हूँ। इधर आ, इधर आ मेरे गधे। मेरा जान। भैया बालों को हाथ मत लगाइए ना। तो मेरी जान है तू। ये सारी रौनक रोमी की मेहनत और सिकंदर साहब की मेहरबानी की बदौलत है। हमारे रोमी को मालिक के रूप में एक देवता मिल गया है। रोमी मैं उस देवता से मिलना चाहूंगा। मेरे बॉस भी आपसे मिलना चाहते हैं भैया। अच्छा? वो क्या है ना मैं हमेशा उनके सामने आपकी बात करता रहता हूँ ना। तो कहने लगे जैसे ही तुम्हारे शक्ति भैया आए उन्हें लेकर मेरे पास आ जाना। ठीक है मगर एक शर्त है। तुम आइंदा घर छोड़ के नहीं जाओगे? कभी नहीं। भाई साहब ये जो वहां खड़े हैं ना मेरे भाई हैं। बड़े साहब से मिलना है बुला लूं? थैंक यू भैया। आओ आओ आओ। वो रहे सर आइए आइए। सर ये मेरे शक्ति भैया हैं। ओ, तुम्हारे भैया? जी। वेलकम सर वेलकम। भाई तुम्हारा ये छोटा भाई गजब की चीज है। मेरे पास आकर सब कुछ बदल डाला मेरा। देखिए डिस्को सॉन्ग के बजाय भजन सुन रहा हूं मैं। इसकी बदौलत आपका भाई लाखों में नहीं करोड़ों में एक है पर इसकी वजह आप है। आप भाई हो तो आप जैसा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे जूते मत मारिए साहब। मैंने जिंदगी में बहुत जूते खाए हैं। हर तूफान
हर अंधेरे से गुजरा हूं मैं, हर गम हर जहर पिया हूं मैंने, पर ऐसा मुकाम कभी नहीं देखा कि कोई भगवान इंसान का रूप लेकर मेरे भाई को वो खुशियां देगा जो मैं 7 जन्मों तक दिन रात एक एक करके भी नहीं दे सकता। आपने मेरे इस रोमी को जिंदगी देकर जो एहसान मुझ पर किए हैं उसका कर्ज मैं तो क्या मेरे स्वर्गीय माता पिता भी नहीं उतार सकते। मेरा रोम रोम आपकी जिंदगी की खुशियां और तरक्की के लिए दुआएं कर रहे हैं कि भगवान आपको वो सब दें जो आपको कभी ना मिला हो। ये आप आंसू मत बहाइए क्योंकि आंसू कमजोर लोगों के जेवर होते हैं और आप तो शक्ति सिंह हैं, शक्ति का उदाहरण है, दूसरा रूप है। आप महान हैं। नहीं 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 शक्ति साहब, महान कोई नहीं होता इस दुनिया में। इट्स ऑल अ गेम, गेम ऑफ लक, सब तकदीर का खेल है। कम वक्त तकदीर किसको कहां दूर कर देती है, कहां मिला देती है और मिलाकर फिर भी नहीं मिलाती। आदमी जबान से कुछ कहता है, दिमाग से कुछ और सोचता है और दिल कुछ और ही चाहता है। ये सब नाटक ही तो हैं तकदीर के, तो इस पर क्या आंसू बहाना। जो चला गया उसे भूल जा, जो आ रहा है उसे प्यार कर। देखिए आज हम मिले तो सही, मेरा जरूरी फोन है, मैं चलूं। आप घर आइएगा जरूर। मेरा ही तो घर है, कभी भी आ जाऊंगा। भैया 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 आप यहां पर भी इमोशनल हो गए। बाल नहीं बाल नहीं बाल नहीं। थैंक यू। सिकंदर बेटे बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो बाबा। आज का दिन हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन है। हाँ बाबा बेहतरीन दिन है। आज से तुम और कोका सेठ इस जंगल के 50-50% के लीगल पार्टनर हो गए हो बेटे। आज हमारा पुराना पार्टनर फिर हमारा हो गया है। हाँ बाबा आज हमारा पुराना पार्टनर हमारा हो गया। आज इसी खुशी में कूका सेठ ने एक पार्टी दी है जंगल से दूर सिटी क्लब में। मुबारक हो पार्टनर। हाँ तुमको भी मुबारक हो कूका। तुम्हें इस पार्टी में जरूर आना है। आऊंगा जरूर आऊंगा। नाचना है गाना है। गाऊंगा नाचूंगा। और हाँ उस जोकर भोले को जरूर ले आना। जरूर उस जोकर को भी लेकर आऊंगा। जोकर उस जोकर को फिनिश करने के लिए पूरे 5 लाख रुपए लूंगा। मिल जाएंगे लेकिन याद रहे कुका सेठ ये हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। आप फिकर मत करो हम उसे फिनिश कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना सिकंदर भी वहाँ होगा। हम सिकंदर को भी अच्छी तरह जानते हैं। आप घबराइए नहीं वो फिनिश हो जाएगा। Thank you.
देखी सारी दुनिया, देखे दुनिया वाले लाखों और करोड़ों लोग, थोड़े से दिल वाले। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड। गोर गोर मुखड़े, दिल काले काले। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाला काले। छुरिया वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड। गोरे गोरे मुखड़े, दिल काले काले। अरे गोरे गोरे मुखड़े, दिल काले काले।
समझ गए ना सिकंदर सेठ, यह है गरीब का जवाब आपके हम पर की गई मेहरबानियों का। एक गरीब घर की मजबूरी और सूखी रोटियों की हंसी उड़ाई है तूने, लेकिन इस गरीब का नाम है शक्ति सिंह। जिसकी शक्ति है उसकी मां के दूध से, उसके मां के असूलों से, उसकी मां के आशीर्वाद से, और आज उसी मां की कसम अगर तूने मेरे घर या मेरे भाई पर नजर रखने की कोशिश की या उसे तुम्हारी आवाज भी सुनाई दी तो मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारे गले को दबोच कर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। समझ गए ना तुम? I'm an army man. आए हैं मेरे भाई की तकदीर बनाने। सर आप कहें तो इसे उड़ा दूं? जब मैं नहीं बोला तो तुम कैसे बोले? हाँ यहां सड़क पर खड़े क्या कर रहे हो? क्योंकि अब मैं सड़कों पर ही आ गया हूं सर। मैं जानता हूं सर जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? सर प्लीज मुझे कूका के पास ले चलिए, मेरी राधा को मैं। सर आप अपनी जगह पर सही हैं और भैया अपने असूलों में ठीक। इस दुनिया में कौन से आदर्श कौन सा रास्ता ठीक है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपके पास कामयाबी है और भैया के पास सिर्फ आदर्श। मैं बहुत कंफ्यूज हूं सर। अब आप ही मुझे बताइए कि मेरा ध्येय मेरा लक्ष्य मेरी मंजिल कौन सी होनी चाहिए। जो कहूंगा मानोगे? मानूंगा सर। चलो गाड़ी में बैठो, आओ मेरे साथ। सर यहां नीचे उतरो। नहीं सर, सर मैंने आपसे कहा ना मुझे यहां पर नहीं रहना है। और मैंने तुमसे कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे। सर अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरी बात मानोगे। लेकिन ये गलत बात है सर। कुछ गलत नहीं है, कमान गुड बॉय। सर प्लीज सर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर। आई कैन नॉट स्टे हियर सर। यू लव मी, आई लव यू सर, लेकिन मैं यहां पर अंदर नहीं जाऊंगा सर। सर प्लीज सर आप, सर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो इनसाइड सर। आप मुझे फोर्स मत कीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर आप मुझे। देखो रोमी, यह है तुम्हारी सही मंजिल। भूखा मरना है तुम्हारा ध्येय, गरीबी में रहना है तुम्हारा लक्ष्य, और इस भैया के चरण तुम्हारी मंजिल है। समझे? जलील कर रहे हैं आप मुझे। अरे नहीं रहना है मुझे किसी के साथ भी। अपना ध्येय अपना लक्ष्य अपनी मंजिल मैं खुद ढूंढ सकता हूं। अरे जिसे देखो मेरा बाप बनने की कोशिश करता है। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई भी, ना आप और ना आप। रोमी नहीं चाहिए, ढूंढ लूंगा अपनी मंजिल में खुद ही। जाओ, मानूंगा अपनी राधा को अपने आप ही। क्या हुआ श्रीमान शक्ति साहेब, जिसे इतने दिन पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, छोड़ गया तुम्हें, मार गया थप्पड़ तुम्हारी गरीबी पर? खैर छोड़ो, यही दुनिया है। आओ सिगरेट पीते हैं, कुछ गम दूर करते हैं। थप्पड़ मत मारो मुझे। डोंट एवर टच मी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। दुश्मन हो तुम मेरे, दुश्मन हो तुम मेरे, दुश्मन।
करेक्ट करेक्ट पहचाना है, दुश्मन हूं, दुश्मन। दोस्त और भाई से तो तुमने अकल ली नहीं, कम से कम दुश्मन की बात तो समझ लो। एक बात तो तुम्हें माननी होगी दुश्मन की, कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए शक्ति सिंह। एक भाई बचपन में छोड़ गया था, दूसरा आज छोड़ गया। मान लो यार, मान लो चला गया, वो छोड़ गया तुम्हें, ही इज गॉन। वो मेरे पास आता है बार बार, जहां सोना चांदी ऐशो आराम गाड़ी कार नौकरी और छोकरी हर तरह की कामयाबी है। उसे तुम्हारी बोरिंग स्ट्रगलिंग भाषण देने वाली लाइफ पसंद नहीं, ही डजंट लाइक इट। और सही भी तो है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। मेरी मां ने, तुम्हारी मां ने नहीं। और यही मैंने रोमी को भी सिखाया। मेरी मां ने यह भी सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। और इन्हीं असूलों से मैं इस बुलंदी तक पहुंचा कि रोमी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आया, मेरे पास आया शक्ति सिंह। तुम फेल हो गए, मैं पास। समझ गए, समझ गए, समझ गए। बत्तू कहीं के आनंद, 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 आनंद। अरे शक्ति बेटे, ये तो अपना आनंद था। आहे माहे, माहे, माहे। सत्यादेवी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार ने हमारी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब आपको थोड़े ही दिनों में यहां से रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्या जेल में मर सकती है, मगर जेल से छूट नहीं सकती। पंडित, 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 पंडित ज्ञानेश्वर। श्रीमान जी, पंडित ज्ञानेश्वर जी का पिछले सप्ताह देहांत हो गया है। त्रिमूर्ति तुम्हारी मौत अवश्य बनकर आएगी एक दिन, जल से, थल से और गगन से। हाँ, ये सब करेगा राधा के लिए, ये सब करेगा। अब रोमी दुनिया से विद्रोह करना चाहता है, ये लड़ना चाहता है, तुम्हारा सिकंदर बनना चाहता है। समझ गया, इस आशिक की ज्वाला को मैं समझ गया। मेरा तुमसे वादा था बोले, जा वो तुझे मिल जाएगी, तेरे दिल की कली खिल जाएगी। राधा, अरे राधा, इसका कन्यादान हम करेंगे। जिसे वो दोनों तुम्हें नहीं मिलवा सके, उससे तुम्हें हम मिलवाएंगे। कैसे? बस तुम्हें सिकंदर बनने का इम्तिहान देना होगा कल सुबह। बजाना। जी सरकार। भोले को साथ ले जाओ और मैथ्यू से मिला दो, और काम क्या है ये पूरा इसे समझा दो। माता तुम्हारी भली करेगी भोले, भली करेगी। 18 साल बाद तुम अपने बच्चों से मिलोगे, कैसा लग रहा है तुम्हें? कितने बड़े हो गए होंगे ना, मालूम नहीं कैसे गले लगाऊंगी उन्हें। सत्या देवी, आपके भानु भैया आए हैं। साथ में बच्चे भी हैं क्या?
नहीं, वो अकेले ही है। मुझे लेने आए होंगे। जेलर साहब, आप सचमुच उसको रिहा कर रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए सब कागजात तैयार हैं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया यहाँ। भैया, हाँ हाँ जाओ। बच्चे, बच्चे कहाँ है? साथ में तो नहीं लाए ना? नहीं। बाहर तो नहीं खड़े? नहीं। उन्हें उन्हें बता दिया है क्या कि मैं हूं, जिंदा हूं? ना, थोड़ा थोड़ा बता दिया होता तो अच्छा होता ना। क्या करूं, बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, दिल रुक रुक जाता है, धड़कन बंद सी होने लगती है। मेरे मेरे बच्चे एक साथ मिलूंगी, तीनों को। कब तक मैं झूठ बोलता रहूंगा इससे पांडे साहब? सच तो ये है कि इसे आप रिहा मत कीजिए, यही जेल में रखिए इसे आप। कैसी बातें कर रहे हो भानु, जाओ बच्चों से मिलवाओ इन्हें। किन बच्चों से मिलवाऊं इसे? उनसे जो कि अब भाई नहीं बल्कि दुश्मन बन गए हैं। कैसे दिखाऊं मैं इसको इसकी त्रिमूर्ति जो कि टूट चुकी है? कैसे बताऊं मैं इसे कि उसे तोड़ने वाला इसी का दुश्मन वो राक्षस कुका है? कैसे बताऊं कि इसके दो बच्चे आनंद और रोमी उसी राक्षस के साए में पल रहे हैं? कैसे बताऊं कि उसका बेटा शक्ति आज इस दुनिया में अकेला आंसू बहा रहा है? मत दिखाइए इसे ये सच, ये मर जाएगी। इसे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए, यहां का अंधेरा इसके लिए उस उजाले से कहीं अच्छा है। यहां दिया जला जला के इन दीवारों से अपना सर पटक पटक के ये मर जाएगी, अच्छा है ना? और देवी मां ने भी इसे दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं हूं ना तेरे साथ। मत रो बहना, मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ। देख शक्ति तेरे साथ होगा, वो तुझे शक्ति देगा, संभाल ले अपने आप को। मगर बात बनते बनते बिगड़ती ही चली गई, अब तो रोमी भी बागी हो गया है। ले चलो इस बुढ़िया को। भाई साहब खोल दो बेचारी को। भाई नहीं खोलना इसे, ये सरदार का हुक्म है। अरे भाई औरत है, मर जाएंगी, खोल दीजिए प्लीज। मारने के लिए ही तो लाए हैं, फेंक दो नीचे। आप
सत्या देवी शक्ति सिंह आनंद कौन हो तुम? फेंक दो इस त्रिमूर्ति के मैया को, इसे जंगल में फेंक दो, ये कुका का हुक्म है, सुन रहे हो ना रोमी? रोमी माँ, पायलट कुका से कहो शुक्रिया कुका, तुमने मुझे मेरी माँ से मिला दिया। कुका से, इसने अपनी माँ को पहचान लिया है और अब पलटी खा रहा है। उससे कहो कि उसकी राधा हमारे तलवार के नीचे है। जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मेरी मोहब्बत का खून होगा, लेकिन लेकिन मैं अपनी माँ के लिए एक तो क्या हर मोहब्बत हर राधा हर रोमी को कुर्बान कर सकता। ये तुम एक मिनट में खोपड़ी उड़ेगी, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, सब कुछ खत्म कर डालूंगा, समझे? चुपचाप से हेलीकॉप्टर को शक्ति भैया के गांव ले चलो। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा धैर्य क्या है। कुका का हुक्म? कुका की ऐसी की तैसी, जो कहता हूँ वो करो, चुपचाप से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो। अरे मेरा पास छोड़ मेरा पास, क्या कर रहा बन जा रहा? तो मेरे बच्चों ने करतब कर दिखाया, रोमी गिर गया, तो अब इस बुढ़िया को जीव जंतुओं के भोजन के लिए छोड़ दो। हाँ मारो थप्पड़, एक नहीं हजार थप्पड़ मारो, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम त्रिमूर्ति बनके अपनी माँ से मिलोगे। क्यों किया ऐसा माँ, क्यों किया ऐसा? तेरी तस्वीर पे मैं हार चढ़ाता रहा, हेलीकॉप्टर कहां से आया था मामा? गोहर जंगल की तरफ से आया था बेटे। सिकंदर, सिकंदर डार्लिंग, यस यस सिकंदर डार्लिंग, बोलो। वो मेरा डार्लिंग छोकरा रोमी कहाँ है? तुम्हारे पास तो नहीं आया? आया था डार्लिंग लेकिन मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या क्या बताऊं, मेरे पास आया था खुद सिकंदर बनने, मैंने उसे सिकंदर बनवा के गौहर जंगल में हेलीकॉप्टर से फेंकवा दिया। क्या हुआ डार्लिंग? छत गिर गई। तुम्हें चोट तो नहीं आई? चोट तो अब तुम्हें लगेगी कुका, छत नहीं आसमान गिरेगा तुम पर, आसमान। मैं समझा नहीं डार्लिंग। जिसे गौर जंगल के दरिंदों के आगे फेंकवाया ना,
उसका एक और भाई बहुत बड़ा दरिंदा है और वो मैं हूं। मैं आनंद, उस त्रिमूर्ति की एक मूरत जो बचपन में अलग कर दी गई थी। यानी पीटर? हाँ पीटर, झूठ बोला उसने तुमसे। जिस माता को तुम मानते हो ना, उसी माता ने मुझे जिंदा रखा। जिंदा रखा कुका, तुम्हारी मौत के लिए। पीटर। गुड इवनिंग खोखा सिंह। हाथ मिलाओ। बचा रही होगा भगवान। बाबा सिकंदर भैया, सब अनर्थ हो गया। ने रोमी को हेलीकॉप्टर से जंगलों में फेंकवा दिया। कुका सेठ, सत्य की लाश का कुछ पता नहीं। सिकंदर भागी हो गया है और शक्ति जंगल में घुस आया है। अरे जंगल के सभी तारों में करंट उड़ा दो, बत्तियां जला दो ताकि दुश्मन रोशनी में दिखाई दे सके। सरदार उल्टा हो गया, हमारा आदमी मर गया और शक्ति सिंह बच गया। हमारे आदमियों ने पहाड़ी से रोमी को पानी में जिंदा देखा है। हाँ यार, अंधेर हो गया अंधेर। रोमी पानी में, शक्ति जंगल में और आनंद आपके सामने। वो उसकी बनी त्रिमूर्ति त्रिदेव बनकर आएगी तुम्हारे सामने, जल से, थल से और गगन से। Yeah!
पानी नहीं पेट्रोल है, पेट्रोल। अरे कंबल फेंको आराम जादो। अब इस आग में त्रिमूर्ति जलेगी। पहचाना सिकंदर बाबू, उस दिन का चाटा हम अभी तक भूले नहीं। अब हम तुम्हें फिनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्ला ने तुम्हें फिनिश करने की सुपारी खाई है। अपने गॉड को याद कर लो। गॉड को ही याद कर रहा था मैं। इसी खाई से तुम्हें निकालने आया हूं रोमी, इसी खाई से। अपना हाथ दो, जल्दी करो, अपना हाथ दो। रोमी, रोमी, भैया, ये तेरा भैया है, आनंद भैया। और रोमी, बबुआ, आनंद भैया, बबुआ, आनंद भैया। झगड़ा किया था मैंने शक्ति भैया से। आनंद भैया, मैंने सोचा था मैं पास हो गया, आखिर मैं फेल हो गया। शक्ति भैया पास हो गए, देखो किस खाई में धकेल दिया मैंने अपने दोनों भाइयों को। शक्ति भैया सही थे, मैं गलत था, मैं समझ गया, मैं समझ गया रोमी, मैं समझ गया। आनंद, आनंद, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं। भाई हूं मैं तुम्हारा भाई। मुझे माफ करना शक्ति भैया, मैंने मां के बताए और सुनू को गलत समझा। भैया, शक्ति भैया, मैं माँ से मिला था, मेरी माँ को देखा है। माँ? हाँ भैया। माँ जिंदा है? माँ जिंदा है ना? वो यहीं कहीं है, चलो तीनों मिलकर ढूंढते हैं उसे, चलो। मेरे वफादार कुत्तों, देखो त्रिमूर्ति कैसे गिरती है। आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। साथ नहीं दिया, लेकिन आज कुका ने खुद अपने काल पर विजय पाई है।
खुद मैंने हीरा सत्य की लाश जीव जंतु खा गए। त्रिमूर्ति गिरकर टूट गई। मुझे पहचाना कूका सिंह? मैं सत्या हूं। हां सत्या, आज न सत्या मरी है न उसकी त्रिमूर्ति, ये सब देवी मां का प्रताप है। ये उसी देवी मां का प्रताप है कि जिस पुलिस अफसर को 18 साल पहले तूने अपनी मक्कारी से जेल की काल कोठरी में भेजा था, वही पुलिस अफसर आज जेल की काल कोठरी से निकलकर सीधा तेरे पास आ पहुंचे। तेरे पास ये उसी देवी मां का प्रताप है कुका कि जिस तीसरे पुत्र को मैंने अपने कोख से जन्म देकर कालकोठरी से बाहर भेजा था, वही तीसरा पुत्र मुझे सबसे पहले मिला और आज उसी के द्वारा तेरा और मेरा सामना हो रहा है। कूका सिंह, ये सती 18 साल उस काल कोठरी में देवी मां के चरणों में 3 दिए जलाती रही और उसकी तपिश अपनी आंखों में उतारती रही ताकि सत्या की ज्वाला कम न हो, वो जब तुझे मिले दुर्गा बनकर मिले। कूका सिंह, आज या तो तू है या मैं। अगर तुझ में जरा भी शक्ति है ना कूका, तो मुझे छू के देख। देख इस शरीर को, तो क्या इस हाथ को छू, इन उंगलियों को छू, इन नाखूनों को छू, फिर देख देख कौन भस्म होता है, तू या मैं। छू कर देख कूका, देख लो, छू कूका, छू कर देख, देख लो कूका। ये तो बेहोश हो गई सरकार। याद कीजिए पंडित ने क्या कहा था आपको। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं सरकार? वो मरेगी, जरूर मरेगी। सरदार इसका मैं इसे तो नहीं मार सकता, तुझे तो मार सकता हूं। Don't shoot me!
विश्वास रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये काम मुझे बरसों पहले कर देना चाहिए था। यह है मेरे पापों की गठरी भैया, हमारे सर्वनाश का कारण। चलो भैया, आज मां के नाम इस राक्षस को इन पहाड़ियों में समर्पित करते हैं। जय माता दी। किन किन तूफानों से बचा कर तेरे सामने लाई है। माँ बाप के बताए हुए उसूलों का मतलब बच्चे कैसे अलग अलग समझ लेते हैं और अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। यही कारण था इनके तूफानों का। मगर आज तेरी तपस्या पूरी हो गई है, लग जा गले इनके।